दोस्तों क्या हाल है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले थे, देख सकते हैं मैंने फाइनली अपने रेडमी 9 ने या फिर अपने रेडमी 9i डिवाइस में मीमी 12.5.5 की ग्लोबल स्टेबल बीटा रोम को इंस्टॉल कर लिया, जो कि हमारे एंड्रॉयड वर्जन 11 पर बेस्ड है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने मिलता है। और ये एंड्रॉयड 11 इसका लास्ट अपडेट होने वाला है, मतलब 12.5 13 मीओ 13 तो ज़रूर आएगा, बट एंड्रॉयड वर्जन का ये लास्ट अपडेट है, मतलब एंड्रॉयड 11 लास्ट देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड 12 इसमें देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि आप सभी को पता है। तो आज की इस वीडियो में इस रोम को शॉर्ट रिव्यू देने वाला हो, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। बाकी आज की वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, तो यार एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए यार बिना गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग में जाकर अबाउट फोन में, आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ भी सकते हो। आप पे जरा फोकस करा देता हूँ, देख सकते हैं मीओ 12.5.5 का ग्लोबल वर्जन आपको देखने को मिल रहा होगा, 5.5.5 का, जो कि बीटा के यूजर्स हैं उनके लिए आया है, जो कि मैंने इसको रिकवरी से इंस्टॉल कर लिया। बाकी आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो टी डब्ल्यू रिकवरी से इस्तेमाल से, बाकी बहुत ही ईजी से आप इसको मतलब इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो। बाकी इसमें सिक्योरिटी पैच हमको अप्रैल का देखने को मिलता है। बाकी ऑल स्पेक्स में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.50G मतलब मेमोरी एक्सचेंज का फीचर है। बाकी आप देख सकते हैं मॉडल कलर वर्जन 4.19 देखने को मिलता है, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ फीचर हमको देखने को नहीं मिलते। तो यार मैंने थोड़ा अभी उजाला कर दिया, पहले आपको बहुत अंधेरा देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं मीओ 12.5.5 रेडमी 9A, ये रेडमी 9i के हेलो, यहाँ देख सकते हैं सिम कार्ड मोबाइल में आपको नॉर्मल से फीचर जो कि आपको मीओ 12.0.23.0 में देखने को मिलता है, जिसमें आपको वोल्टी वर्किंग देखने को मिलता है, बाकी 4G वगैरह अच्छे से काम करता है। कनेक्शन एंड शेयरिंग में तो कनेक्शन शोरिंग में हमको मी शेयर का ऑप्शन देखने को नहीं मिला, बाकी नियर बाय शेयर क्रोम बुक वगैरह बाकी सारी चीज़ें दिया, लेकिन MI शेयर का ऑप्शन देखने को नहीं मिला। बाकी लॉक स्क्रीन में जाएंगे तो लॉक स्क्रीन में आपको ग्लांस फॉर्मी और लॉक स्क्रीन का क्लॉक फॉर्मेट का फीचर दिया गया, क्योंकि मीओ 12 का बाकी आपकी मर्जी आप ऐसे चेकआउट वगैरह कर सकते हो। नॉर्मल से फीचर है यार, जो कि मैंने 12.5.1.0 के ग्लोबल वाले रोम में दिए थे, वही फीचर हमको देखने को मिलता, कुछ अपडेट देखने को नहीं मिलता। बस गूगल का अप्रैल का सिक्योरिटी पैच दिया गया, बाकी देख सकते हैं डिस्प्ले में डार्क मोड देखने को मिलता है, आप इसको चेंज वगैरह कर सकते हो। देखते हैं आपको करके दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से आपको डार्क मोड जो है देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा दिखने में लगता है। अगर आपको बैटरी सेव करें तो आप डार्क मोड इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी कंट्रोल सेंटर में देख सकते हैं आपको शो कनेक्शन स्पीड का ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आप वाईफाई ऑन करोगे तो बैटरी का परसेंटेज आपको अंदर चाहिए या फिर फीचर देखने को मिलता है, हाइट नॉच का फीचर भी आपको दिया गया। बाकी कंट्रोल सेंटर में जाऊँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको न्यू कंट्रोल सेंटर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। बाकी आप जैसे साउंड एंड वाइब्रेशन में वही सेम टू सेम आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं। एडिशनल सेटिंग में जाएंगे, इसे टैप साउंड अगर चाहिए या नहीं, यहाँ पे साउंड फिक्स का भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप चेकआउट वगैरह कर सकते हो। बाकी होम स्क्रीन में जाएंगे तो होम स्क्रीन में सबसे ज़्यादा फीचर मेरे को होम स्क्रीन में लगे, बाकी देख सकते हैं मीओ 13 का सिस्टम लॉन्चर देखने को मिलता है। होम स्क्रीन में जाएंगे आपको ऐप ड्रॉअर का फीचर दिया गया, सिस्टम नेविगेशन में आपको गेस्चर्स के जो ऑप्शन है वो भी दिए गए, देख सकते हैं आपको गेस्चर का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको गेस्चर बार भी देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आइकॉन साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, फिर आपको होम स्क्रीन लेआउट आपको 5x6 चाहिए 4x6 चाहिए, आप चेकआउट कर सकते हो। भाई अरेंज आइटम्स एंड रिसीवर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, देख सकते हो कुछ इस टाइप से, आपकी मर्जी आप इसका एनेबल वगैरह कर सकते हो। तो आप यहाँ पे आप शो मेमोरी स्टेटस भी, जो आप बैकग्राउंड में आपको वॉइस सुनने को मिल रहा होगा तो आप इसको इग्नोर मार सकते हो, जहाँ पे ज़रा प्रॉब्लम दिक्कत है हो रही है, ठीक है। देखिए शो मेमोरी स्टेटस करोगे तो आप आपको 2GB रैम देखने को मिल जाएगा, बाकी अभी ब्लर प्रीव्यूज का हमको न्यू वर्जन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा दिखने में लगता है, देख सकते हैं ब्लर प्रीव्यूज का हमको न्यू अपडेट देखने को मिल जाता है। बाकी आप मैं दिखा दूँ आपको नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर का स्टाइल आपको न्यू वाला मीओ 13 का देखने, मतलब मीओ 12.5 रेगुलर मीओ 13 ही आपको देखने को मिल जाता है, ओल्ड वर्जन इस टाइप से। और यहाँ पे स्मार्ट होम का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे आपको एंड्रॉयड आर ईस्टर एग का भी फीचर दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्मार्ट डिवाइस में ये फीचर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने में लगता है। बाकी स्टेटस बार पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में फेस अनलॉक वही नॉर्मल सी चीज़ें, ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिली। बैटरी बैकअप मेरे को ठीक ठाक लगा, बाकी बैलेंस परफॉर्मेंस वो फीचर हमको देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे अच्छा लगा। अब एडिशनल सेटिंग की बात करें तो एडिशनल सेटिंग में मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर दिया गया, 0.5GB की रैम आप एक्सटेंड कर सकते हो। बाकी MI अकाउंट और स्पेशल फीचर का ऑप्शन इस बार भी दिया नहीं गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा फालतू बात है यार, स्पेशल फीचर निकाल दिए गए, अभी हमको कभी देखने को नहीं मिलेंगे आई थिंक। यहाँ पे देख सकते हो ट्रांजिशन इफेक्ट्स आपको देखने को मिलता है कुछ इस टाइप से न्यू, अभी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी और मैं यहाँ पे जाऊँगा सेट डिफॉल्ट स्क्रीन लॉक वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं मीओ 13 का जो सिस्टम लॉन्चर है वो भी हमको इसमें देखने को नहीं मिलता, शायद से मीओ 13 में देखने को मिलेगा, लेकिन हमको आप चाहे तो इसको इंस्टॉल कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। यहाँ पे वॉलपेपर के सेक्शन में आपको मीओ 12.5 के वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं मीओ 12.5
के वॉलपेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आप जो चाहे वो लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, देख सकते हो। अप्लाई भी करूँगा, सेट होम स्क्रीन पे करूँगा, अब हमारा जो वॉलपेपर है लग जाएगा। देख सकते हो वॉलपेपर लग चुका है बहुत ही अच्छी तरह से। बाकी यहाँ पे सारी गूगल के एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, प्ले स्टोर भी देखने को मिल जाता है। बाकी मैजिस मैंने इंस्टॉल किया, आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी इसको इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपली रूम को फ्लैश कर दो, कोई जी एप्स वेप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी कंट्रोल सेंटर आपको कुछ स्टेप से देखने को मिलता है, वॉल्यूम पैनल आपको मियो 12.5 या फिर किलो मियो 13 जो कि सबको चाहिए था वो देखने को मिलता है। अगर आप सोच रहे हो इस रूम में स्विच करेंगे तो कर सकते हो यार, रूम वगैरह तो मुझे ज़्यादा स्मूथ लगी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो एंटीटू बेंचमार्क स्कोर है वो मैंने निकाला था, मतलब मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में किसी ने तो भेजा था यार, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप सोच रहे हो इस रूम में स्विच करना तो कर सकते हो। इसका स्कोर हमको 1,05,000 देखने को मिलता है, मतलब 1,05,377 का स्कोर हमको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा तगड़ा स्कोर है यार मियो के हिसाब से। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैंने तो एंटीट्यूड स्कोर वगैरह निकाला नहीं है, निकाल के मैं जरूर आपको टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीनशॉट दे दूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से करके चेकआउट। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं ठीक है, अच्छे से वर्क करते हैं, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी। बाकी आपको रूम कैसे लेके कमेंट सेक्शन खाली है पूरा भर देना। तो ये तेज की वीडियो में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और यहाँ पे जरा बैकग्राउंड में जरा डार्क डार्क देखने को मिल रहा होगा तो यार माफ़ कर देना उसके लिए, ठीक है यार। तो चलिए मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।